नमस्कार, आप देख रहे हैं HBL न्यूज। बारूदी धमाका से उत्तर प्रदेश का बलरामपुर दहल गया है, जिसमें एक की मौत व दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं मौके पर पुलिस बल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिला थाना नगर कोतवाली के अंतर्गत मोहल्ला गदरावा मोहम्मद राजा पुत्र स्वर्गीय अब्बास, जो फेरी लगाकर चूड़ी व्यवसाय का कार्य करते थे, सुबह 9 बजे बारूद से भरा घर में आग लगने से ब्लास्ट हो गया। वहीं घटना स्थल पर ही ननकन पुत्र शहादत अली, जो इनका भाजा था, मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर घटना स्थल पर क्षेत्राधिकारी नगर मनोज कुमार यादव और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर पुलिस टीम के साथ पहुंचकर घायल सुब्रा बेगम और उनकी बेटी रूबी को तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस और खुफिया विभाग पर सवाल ये निशान खड़ा होता है कि इतनी भारी मात्रा में बारूद नगर कोतवाली के अंतर्गत एक घर में रखा हुआ था, आखिर इसकी भनक क्यों नहीं लगी। कहीं इसका तार उतरौला के बढ़िया भैसाही में ISIS आतंकवादी अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम से जुड़ा नहीं है। एक बार फिर जिला की प्रशासन फेल होते हुए दिखाई दे रही है, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है। वही घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBL न्यूज। ये आज सुबह जनपद बलरामपुर में थाना कोतवाली नगर में गदरुआ नाम का एक मोहल्ला है, यहाँ पर ब्लास्ट की सूचना मिली। तो यहाँ पर फिर तुरंत COCT साहब, इंस्पेक्टर नगर साहब, सब लोग आए यहाँ पर। तो यहाँ पर जिस घर में ब्लास्ट हुआ था, उनसे जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि साहब सिलेंडर फटा है। काफ़ी अंदर छानबीन की गई और काफ़ी ज़्यादा इसमें ब्लास्ट की वजह से तोड़फोड़ दीवारों में, छतों में और आसपास के मकानों में भी हुई। इसके बाद फिर यहाँ पर फॉरेंसिक टीम को भी हम लोग भेजा, फील्ड यूनिट को भी भेजा और यहाँ पर हम भी मौके पर आए हैं। तो यहाँ पर बारूद की गंध लग रही है और ये जो जिनके घर में ब्लास्ट हुआ, इसमें अकरम है, ये एक पटाखा व्यवसायी है जिनका बिजलीपुर में इनके पास इनका गोदाम है। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया सूचना मिली है कि इनके गोदाम में कुछ डिस्प्यूट हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने पटाखों का अवैध रूप से भंडारण अपने घर में कर रखा था और संभवतः उसी वजह से ही ये ब्लास्ट हुआ है। तो इसके अंदर COCT साहब और SDM साहब और फॉरेंसिक टीम हमारी विधिवत जाँच कर रही है और इसमें अगर इन्होंने अवैध भंडारण कर रखा था और जिस जगह पर गोदाम था वहाँ पर नहीं इन्होंने किया है, तो इनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के अंदर एक लड़के की मृत्यु हुई है और इसमें दो महिलाएं घायल हुई हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सर, ये कैसे हुआ? ये सर सुबह कुछ 10 बजे के करीब हुआ, मैं लेटा हुआ था, मेरे अबू जा रहे थे दुकान, तो मेरे पेट में दर्द था, तो बोले उन्होंने कि आओ बेटा नाप बिठा दूँ फिर जाऊँ मैं दुकान। उसके बाद मैंने कोलगेट किया तो मेरा दोस्त आ गया, मैं रोड पे गया, से बातें करने लगा। बस 5 मिनट हुआ होगा मुश्किल से, भाई एक धमाका सा हुआ, चारों तरफ एकदम धुआं धुआं और सन्नाटा सा छा गया। आया अंदर तो देखा भाई मेरा पूरा घर एकदम तबाह और बर्बाद हो गया।